तो Redmi के Note 10 Pro Pro Max डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर है जो अपडेट आ चुका है हमारे डिवाइस का, जो कि हाइपर ओएस आप यहाँ पे कह सकते हो। फेस अनलॉक वगैरह प्रॉपर वर्किंग रहता है। इस रोम में स्टार्टिंग में मैंने कई सारे चीज़ें नोटिस करी है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप डिसाइड कर पाओगे इसे डालना है या नहीं। और यह है 2.0.9 का बेल्ट जो कि हमें हाइपर ओएस की तरफ से देखने को मिल जाता है, और इसे मेगा टीम ने भाई बनाया है, जो कि बेस है हमारा EU का, जो कि एंड्रॉयड 15 के 3 मंथ पे जो रन कर रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। यहाँ पे आपका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट प्रॉपर वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, स्मूथनेस भी ओवरऑल सही रहता है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसे डालोगे तो आपको यहाँ पे लैग स्टटर फील हो सकता है, तो थोड़ा सा यूज करो, रोम को स्टेबल होने दो, उसके बाद आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट फिर भी जो एंड्रॉयड 13 के और पुराने जमाने के जो रोम थे इस डिवाइस के लिए, वैसा तो रिजल्ट आपको अभी स्टिल कितने भी जो रोम आएंगे एंड्रॉयड 15 पे उसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली ये डिवाइस अब कैपेबल नहीं है एंड्रॉयड 15 और हाइपरओएस 2 को हैंडल कर पाने में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है जबकि ये फ़ोन बूढ़ा हो जाता है, तो भाई थक जाता है बेचारा, क्या करें। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 15 मिलता है, 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, EU का वर्जन यहाँ पे रन कर रहा है, फिर इसका यहाँ पे कर्नल आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ग्लोबल है इसलिए आपको ग्लोबल टाइप के ही एनिमेशन देखने को मिलते हैं, स्प्रिंगी आपको नजर नहीं आता। कुछ सिस्टम के ऐप अपडेट भी यहाँ पे दिए गए हैं और सम टाइम कुछ जगहों पे ऐड भी नजर आता है, जैसे कि ऑफिशियल स्टॉक में आपको नजर आता है, तो काफ़ी हद तक इसे स्टॉक जैसा ही रखा गया है। वहीं पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो जो भी चाहो यूज कर सकते हो। बाकी फ्लोटिंग विंडो, पेरेंट्स कंट्रोल, किड स्पेस, यूजर और बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे स्क्रीन ऑन टाइमिंग की, क्या बैटरी में है या नहीं, तो हाँ इसे ऐड किया गया तो अच्छी बात है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग है, डिस्प्ले में आपका ऑटो ब्राइटनेस काम करता है। बट स्टार्टिंग पे मुझे पता है क्या प्रॉब्लम आ रहा था इस रोम के साथ, जो कि बिल्कुल ही अजीब सा है, कि जब मैं इसका ऑटो ब्राइटनेस यूज कर रहा था ना, जब मैं नॉर्मली इसे जो इस तरीके से बूस्ट करता तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं कितना भी इसे हाई कर लूँ ये काम नहीं कर रहा है, मे बी ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है या फिर नहीं भी, लेकिन जैसे मैं इसे मैनुअल करके कंट्रोल करता हूँ तो ये काम करता है, बट स्टार्टिंग पे ये भी काम नहीं कर रहा था। बट जस्ट मैं इसे एक बार आउटडोर में लेके गया, धूप के जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ी तो भाई इसका जो सेंसर में भी सो गया था बेचारा नींद से, वो उठ जाता है और फिर काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैनुअली आपका जो प्रॉपर काम करता है, बट एक बार दिक्कत आए तो ऑटो में आप सनलाइट दिखा देना, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा और काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पे ब्राइटनेस रिलेटेड मैं स्टिल कहूँगा कि इशू है, जो कि इंप्रूव होने की जरूरत है, नॉर्मली काम करना चाहिए। और स्टार्टिंग में मुझे लो ब्राइटनेस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ स्लाइड कर रहा हूँ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो वो रीज़न था सिर्फ उसे ऑटो ब्राइटनेस का ऑन होना। वहीं पर आपको स्मूथ ट्रांजिशन वगैरह टेक्सचर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि 160, 90 और 120 ऐड करा गया है। यहाँ पे ग्लो मोड है जो कि किसी काम का आपका होने वाला नहीं है, जस्ट इग्नोर मार दो इसे। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह के अंदर वही सारे कॉमन से ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे हम बात करें AOD और बाकी अदर चीज़ों की, तो वो अनलॉक मिलता है। यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर भी दिया गया, जो कि अच्छी बात है, बट यहाँ पे भाई रोम ऑलरेडी बूढ़ा होया हुआ है, ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा है हमारा रेडमी नोट 10 प्रो। और वैसे में आप ये सारी चीज़ें करोगे तो भाई ये तो और रोने लग जाएगा यार, कान पकड़ के कहेगा हमको माफ कर दो, हमसे ना हो पाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ आप अपने दम पे ट्राई कर लेना अगर करना है तो ये कुछ इस तरीके से दिया गया, जो कि मुझे अच्छा लगा कि भाई डायनेमिक का फीचर्स तो दे दिया गया, चलो अच्छी बात है। बट यहाँ पे फोन समझ ही रहे हो ना क्या हालत में यहाँ पे है, किस कंडीशन में बेचारा ये रो रहा है गा रहा है। बाकी यहाँ पे 10 सेकेंड ऑलवेज ऑन वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको लेंस का भी फीचर्स मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन हाँ, कोई खास इफेक्ट्स आपको नजर नहीं आने वाला लेंस के अंदर, क्योंकि भाई फोन बूढ़ा हो गया है यार, कितना बूढ़े के ऊपर जो तकलीफ डालोगे, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वहीं पे बाकी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन की बात करें तो वो आपको देखने को नहीं मिलता। रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह और बाकी अदर चीज़ें, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट वाइपर फॉर एंड्रॉयड दिया गया है, इसको बस परमिशंस वगैरह दे दो, उसके बाद ये आपका काम करेगा। तो यहाँ पे इनेबल दिखाई देता है, और साथ साथ कैमरा हमारा काम करता है, तो कैमरे में भी आपको दिक्कत नहीं आती, आप आसानी से यूज कर पाओगे। विजेट्स वगैरह आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, चाइना के विजेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, और प्लस में सुपर आइकन वगैरह भी काम करता है। मैंने एक दो थीम भी यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, बट अफसोस की बात यह है कि कुछ टाइम बाद थीम ऑटो रिफ्रेश होके डिफॉल्ट वाले पे स्विच कर जाता है। ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे फेस करा है, तो मैंने 2-3 बार यहाँ पे आइकन पैक अप्लाई किया है, बट हर बार क्या हुआ है कि कुछ टाइम के बाद ये डिफॉल्ट पे चला जाता है। सुपर आइकन मैंने अप्लाई किया, वो भी है जो नॉर्मल आइकन में चेंज हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है ना, मैंने इसे चेंज कर रखा था। तो ये इशू मुझे यहाँ पे नोटिस हुई।
रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस रोम का। तो यहाँ पे इतने ही आपको सिस्टम डिफॉल्ट ऐप मिलते हैं, बाकी आप नीड के हिसाब से अपना डाल सकते हो। बैटरी ड्रॉप 73 के बाद मॉर्निंग में 73 ही आता है, यानी 0% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि 9 hours 47 यानी 10 hours कह सकते हो कि है यहाँ पे, लेकिन ये चीज सही है। अनटूटू स्कोर काफी ज्यादा यहाँ पे हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, टॉप नोच हम कह सकते हैं कि है स्कोर जो कि आपको पसंद आने वाला है। वहीं पे बात करें हमारे जो कि सीपीयू टोटल की, तो ये भी काफी सही है, 1,93,000 मैक्स और मिनिमम 1,75,095 का परसेंटेज, यानी काफी स्टेबल ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब गीकबेंच की बात करते हैं तो गीकबेंच भी आपको टॉप नोच देखने को मिलता है, जो कि मुझे पसंद आया है और आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है, ईवाई के अंदर उतना ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन आपको फील नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा कि फोन बूढ़ा हो चुका है, हाइपरविस्ट 2 को हैंडल करने की ताकत नहीं बची है, फिर भी हमारे मेंटेनर जी जान से लगे पड़े हैं ताकि इसे स्मूथ बना सके और हमें यूज करवा सके और हमें मजा दिलवा सके। बट देखते हैं कितना क्या कुछ होता है। तो ये टोटल चीज आपको अपने दम पे ये जो करना पड़ेगा, शिकायत मत करना ऐसा है वैसा है। हाँ, बग है तो वो शिकायत करो, लेकिन आप अगर स्लो की शिकायत करते हो इस डिवाइस से रिलेटेड तो भाई गलत कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ अब फास्ट नहीं होने वाली। और यहाँ पे L1 का आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। डिवाइस के अंदर आपको जो एक्सट्रीम प्लस अनलॉक किया गया है, जो कि अच्छी बात है, तो अच्छा है, L1 का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ फेल देखने को मिलती है, जो कि आपको मैनुअली पास करना पड़ेगा रूट वगैरह करने के बाद, तो इससे रिलेटेड बैंकिंग वाले यूजर्स को दिक्कत आने वाली है। बाकी कैमरा वगैरह हमारा जो काम करता है तो नो इशूज। और हाँ, यहाँ पे जो लॉन्चर दिया गया ना वो एडवांस वाला है, लेकिन फोटो स्टोरेज यहाँ पे अनलॉक नहीं मिलता, तो मैं आपको लॉन्चर दिखा देता हूँ, क्योंकि लॉन्चर के अंदर आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको पसंद आएंगे। यहाँ पे आते हैं अपने होम लॉन्चर पे, तो देखो यहाँ पे ब्लर के ऑप्शन है, टेक्सचर के ऑप्शन है, फोर्स डार्क मोड वगैरह के ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च बार का है, होम सर्च बार वगैरह का है, यहाँ पे फोल्डर ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, अनलॉकिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, आइकन के अंदर डॉक का भी ऑप्शन दिया गया कस्टमाइजेशन का, जो कि आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ऑन करोगे यहाँ पे सारे टैब आ जाते हैं, जिससे आप इसको जो छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसा कर चाहिए वैसा आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अगर आप इसे यूज करते हो तो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जेस्चर्स के अंदर, प्रीवियस ऐप, असिस्टेंट वगैरह, कंफर्म का ऑप्शन, यहाँ पे आप चाहो तो इसे आईफोन के स्टाइल में डाल सकते हो, टैब को छोटा बड़ा कर सकते हो, जो कि सही है। फाइनल एक रीस्टार्ट का बटन, ताकि आप यहाँ पे लॉन्चर को रिफ्रेश कर दो, सारे सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो सके और यहाँ पे आपका रिसेंट काम कर रहा है, तो देख रहे हो अभी काफी स्मूथ है, लेकिन सम टाइम में भी आपको इस तरीके से स्मूथनेस फील ना हो तो 1 day का वेट जरूर कर लेना। और यहाँ पे कैमरे के अंदर आपको देखने को मिल जाता होगा स्पेस वाला आइकन, तो ये थोड़ा कस्टमाइज किया गया है कैमरे को, जो कि सही है, बट आपको पसंद नहीं आया तो इनके ग्रुप में आपको जिप मिलेगा, जिसे आप फ्लैश करके इस कैमरे के आइकन के साइड में जो टाइल है उसे आप रिमूव कर सकते हो। टोटल ये सारी चीजें आपको मिलती है इस रोम की तरफ से। रही बार डालना कैसे, तो सिंपल सा मेथड है जो कि मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, इंस्टॉलेशन गाइड, जो कि आप देखें इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही था, टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ये रोम डालना चाहते हो या नहीं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। रोम फ्लैश करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम आपको जो लॉन्ग प्रेस करेंगे फोन स्विच ऑफ करने के बाद, जिससे आपका फोन वाइब्रेट करेगा, लाइट अप होगा, तो हम पावर टर्न को लीव करेंगे, वॉल्यूम आपको होल्ड रखेंगे, आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। हमेशा या तो ऑरेंज फॉक्स या टी लॉप यूज करना, जो भी रिकमेंडेड किया गया है उसी का, कोई डिफरेंट रिकवरी मत यूज करना। जैसे रिकवरी ऑन होता है आप ब्राउज करना, अपने रोम को सिलेक्ट करना और स्वाइप कर देना, स्टार्टिंग में वाई फॉर्मेट वगैरह मत करना। स्टार्टिंग में फ्लैशिंग में कोई भी एरर आता है तो आप एक बार सिंपल क्या कर लेना, रिबूट टू रिकवरी कर लेना और उसके बाद रोम को दोबारा रीफ्लैश कर देना। सम टाइम रिबूट टू रिकवरी करते समय आपके फोन का रिकवरी है जो वो चेंज हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, तो जो भी नया रिकवरी शो होगा उसी की हेल्प से आप रोम को दोबारा रिफ्लैश करना, और रिफ्लैश जैसे ही कंप्लीट होता है आप रिबूट टू रिकवरी कर लेना अगेन, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद सिंपल फॉर्मेट कर देना, यस टाइप करके और रिबूट कर देना। कुछ ही मिनट में आपका फोन है जो ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। बिल्कुल ही सिंपल और ईजी तरीका है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।